हेलो दोस्तों मैं आपका राजीव कालड़ा न्यूज़ डीएनएन से आपका अपना फेवरेट शो गार्ड टेक मैक शो लेके दोबारा आपके पास हाजिर हुआ हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे राइनस्टोन ब्रशिंग मशीन जिसको कि दूसरी भाषा में कहते हैं सिर्वोस्की मशीन और हॉट फिक्स मशीन पर्ल अटैचिंग मशीन ये सारी एक ही सेगमेंट की मशीनें हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आजकल आपने देखा होगा ये जो स्टिकर बनाने वाली मशीन चल रही है ये काफ़ी लोकप्रिय हो रही है आप बहुत ही कम बजट में एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं इसमें आपकी मेहनत जरूर लगेगी पर आपके पास ना तो कोई काम की कमी है और ना ही आपके पास कुछ ऐसी चीज़ की कमी है जिससे कि आप प्रिंटिंग सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ एम्ब्रॉयडरी सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ ये बिज़नेस दोस्तों बात करने जा रहे हैं राइन स्टोन ब्रशिंग मशीन जिसको सर्वोस्की की मशीन भी बोलते हैं ये दो तीन तरह की आती है एक तो है सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल मशीन जिसको कहा जाता है स्टिकर मेकिंग मशीन जब ये चलती है तो आप साथ में पिक्चर्स भी देख रहे होंगे कि ये देखिए कैसे ये स्टिकर बना रही है इसको स्टिकर को हाथ से उठाया जाता है और उसके बाद प्रेसिंग मशीन के साथ प्रेस किया जाता है और ये फिक्स हो जाता है आजकल लेडीज़ कुर्ती के ऊपर टी शर्ट्स के ऊपर साड़ी के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा सूरत में तो इसकी बहुत ज़्यादा खपत चल रही है साड़ी के ऊपर लुधियाना मार्केट में स्टिकर्स इतने लग रहे हैं बच्चों के सूट के ऊपर कुर्ती वगैरह बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ हो रहा है शूज़ के ऊपर लेडीज़ चप्पल के ऊपर बहुत जगह इसका यूज़ हो रहा है स्टीकर को बनाया जाता है उसके बाद उसको प्रेस किया जाता है और ये रेडी हो जाता है और इसमें फुली ऑटोमेटिक भी आती है जो फुली ऑटोमेटिक जिसमें एक बार आपने उसको डिज़ाइन फीड कर दिया और वो ऑटोमेटिक तरीके से पूरा का पूरा रोल तैयार कर देती है इसका ज़्यादा यूज़ सूरत में होता है साड़ी के कारोबार में और इसमें जो सेकंड आती है हॉट फिक्स मशीन काम उसका भी यही है स्टड लगाना पर जैसे कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं होजरी के आइटम्स या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे बिंदी के कारोबार में या कुछ होजरी में भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सिंगल सिंगल पीस को लगाया जाता है जैसे कि वूलन के ऊपर सिंगल सिंगल पीस को लगाया जाता है वहाँ स्टिकर के साथ आप उसको नहीं लगा सकते तो उसके लिए हॉट फिक्स मशीन है ये सेमी ऑटोमेटिक भी आती है और ऑटोमेटिक भी आती है और इसके बाद का सेगमेंट आ जाता है पार्ल अटैचिंग मशीन दोस्तों कभी कोई ज़माना होता था कि मोती पर्ल जिसको कि गम के साथ लगाया जाता था या गन के साथ लगाया जाता था गम लगा के या हाथ से सिलाई से धागे के साथ लगाते थे लेडीज पर आज वो जमाना नहीं है आज वो ऑटोमेटिक मशीन के साथ लगाया जाता है पल के पीछे एक लॉक पिन लग जाता है पीस आपका फट जाएगा कपड़ा फट जाएगा पर वो मोती उतरेगा नहीं और एक मिनट में आप 200-250 मोती तक लगा सकते हो वैसे चलो इतना लगाते तो नहीं है पर मशीन की कैपेबिलिटी है कि वो एक मिनट में इतने मोती लगा दे इसमें भी सेम है सेमी ऑटोमेटिक भी आती है और फुली ऑटोमेटिक भी आती है डबल कलर भी आती है डबल साइज भी मशीन आती है आज मार्केट में बहुत सारी मशीनें अवेलेबल हैं ये जितनी भी मैं मशीनों की बात कर रहा हूं मोस्टली ये चाइना और कोरिया से आती हैं वैसे जर्मनी और टर्की से भी ये मशीनें अवेलेबल हैं पर उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा लोग चाइना की मशीन को प्रेफर करते हैं तकरीबन एक डेढ़ लाख से शुरू हो के और तीन लाख के बीच बीच में सेमी ऑटोमेटिक मशीन आ जाती है पर जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है उस सिंगल कलर लगभग छः साढ़े छः लाख से शुरू होता है और जो थ्री कलर वाली क्योंकि मैनुअली आप वन कलर या टू कलर तक ही बना सकते हो अगर आपको थ्री कलर का डिज़ाइन बनाना है और पूरा रोल बनाना है जैसे साड़ीज़ के ऊपर लगता है तो आपको फुली ऑटोमेटिक मशीन ही लेनी पड़ेगी और वो मशीन जाके 11 से 12 लाख की रेंज में आती है तो साथियों आपके लिए और भी बहुत सारी हम जानकारियाँ लेके आएंगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे लेज़र मशीन्स के बारे में सिलाई मशीनों के बारे में ओवर फोल्डिंग बहुत सारे हमारे पास आगे ऑप्शन हैं नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में रेगुलर बात करेंगे मैं गारेक मैक शो से राजीव कालड़ा आपका नेटिंग पार्टनर आपके लिए जल्दी ही नई वीडियो के साथ पेश होऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब टू आवर चैनल न्यूज क्लिकिंग बेल डोंट टू लाइक एंड शेयर